एक तरफ सरकार हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं अधिकारी सरकार के इन सभी दावों पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला महेंद्रगढ़ से सामने आया है, जहां विजिलेंस की टीम ने थाना शहर महेंद्रगढ़ में कार्यरत एक SI को NDPS केस के सिलसिले में 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, विजिलेंस की टीम ने पुलिस कर्मियों से पैसे का लेन देन करने वाले बिचौलियों को भी पकड़ा है। थाना शहर महेंद्रगढ़ में उप निरीक्षक अपने सतपाल सब इंस्पेक्टर हैं, उनके पास एक केस था 1502 एंड अंडर सेक्शन NDPS एक्ट, उसमें आरोपी बनाया हुआ था रिंकू संधव मोहनलाल वासी सतनारी, जिसकी माननीय अदालत माननीय हाईकोर्ट से अंतरिम बेल हो गई थी और शामिल जांच करने के आदेश हुए थे। ये 2-3 बार जो है कंप्लेनेंट रिंकू अपने इनके पास जो सतपाल आरोपी है इसके पास गया, इसने इसे 10,000 रुपये की डिमांड की, भाई 10,000 रुपये आप दोगे तो मैं आपको शामिल जांच करूँगा, नहीं हाईकोर्ट से आपकी डिमांड खारिज करवा दूंगा, ये कहकर कि भाई इसने सहयोग नहीं किया। विजिलेंस टीम के इंचार्ज नवल किशोर शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि SI सत्यपाल NDPS केस में शामिल जांच करने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसको लेकर एक टीम गठित कर पैसे मांगने वाले SI और उसका लेन देन करने वाला एक बिचौलिए को पकड़ा गया है। तो आज 16 जो अपने साथ को कंप्लेनेंट ने हमारे को शिकायत दी कि वे ऐसे वो पैसे ले रहे हैं और वो पैसे लेकर, उसके बाद ये जो अपना संतू सिंह उसके पास पहुंच गया थाना महेंद्रगढ़ में आरोपी के पास, उनकी बातचीत हुई, तो थोड़ी देर बाद हमने टीम गठित करके और रिंकू के साथ शैडो बाबा वो भी वहाँ पे थाना में भेजा, फिर ये वहाँ पहुँचने के बाद तीनों उसके कमरे में गई, बातचीत हुई, इनकी जो भी बातचीत हुई है, उसके बाद उसने जो हमारा शैडो बाबा था उसे ये पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उसने कहा मैं तो जमानती हूँ इसका, बोला आप गाड़ी की आरसी दिखाओ, वो बोला आरसी तो नहीं है, तो उसने उसको थोड़े कमरे से बाहर कर दिया, बाहर खड़े हो जाओ, फिर उनकी जो संतू सिंह की उसने जमानत भरी, उनका उनके कागज तैयार किए और उसके बाद कंप्लेनेंट को भी कमरे से बाहर कर दिया और उसे संतू सिंह से कहा भी आप पैसे लेकर आओ, जो संतू सिंह ने उससे 7,000 रुपये जो नंबरी नोट थे हमने उसको दिए हुए थे वो उसको दिए, और जब वह पैसे देने गया तो थाने में सुबह से काफ़ी भीड़ थी, पैसे देने गया तो उसने कहा कि अभी पैसे अपने पास रख लो मैं आपसे बाद में ले लूँगा, तो इसी दौरान विजिलेंस की रेड हो गई, जो वो भीड़ का फायदा उठा करके जो अपना संतू सिंह था वहाँ से निकल गया और उसने जो पैसे अपने कोई किसी केले की रेडी वाला है चेतन प्रकाश उसके पास यह कह कर रख दिए कि मैं थोड़ी देर में ले जाऊँगा, और फिर अपने गांव चला गया, उससे गांव से हमने इसको काबू किया, काबू करके उस 7,000 की रिश्वत की राशि को बरामद किया है, और इस दौरान हमने इसको सतपाल SI और इसको अपने जो अपना संतू सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि SI सत्यपाल ने जिससे पैसे मांगे तो उससे ये कहा था कि वो सीधे पैसे नहीं लेगा और अपने एक बिचौलिए के माध्यम से पैसे लेने को कहा गया था और ऐसा ही हुआ, लेकिन टीम की मुस्तैदी के चलते दोनों हमारी पकड़ से बच नहीं पाए। बहरहाल SI और उसका बिचौलिया पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।